हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें, आज की वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। फ्रेंड्स, IFAS इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कोर्सेज किस कैटेगरी के लिए, NTA, UGC नेट और सेट एग्ज़ाम्स के लिए। जहाँ पर फ्रेंड्स IFAS पर जो है NTA UGC नेट के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। इन्होंने लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, UGC नेट के लिए। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ₹1 में रजिस्टर कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के लिए। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पर या फिर इनकी ऐप पर, जहां पर आपको इनकी वेबसाइट और ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो वापस फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो पर चलते हैं, जहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 सितंबर और अक्टूबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 94 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट UNDP, यूथ क्लाइमेट चैंपियन। यानी कि इनमें से कौन भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बन गया है। इनमें से वो है ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली, जो बन गई है इंडिया की पहली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट UNDP, यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो इनका एक यूट्यूब चैनल है मोस्टली सेन के नाम से, और ये एक यूट्यूबर हैं जो बन गई हैं भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन। जहाँ पर फ्रेंड्स ये इंटरेक्ट करेंगी यंग माइंड्स के साथ रेस करने के लिए अवेयरनेस, जो आसपास हमारे क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं उनके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में और उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो है इंटरेक्ट करेंगे किनके साथ, यंग माइंड्स के साथ, ताकि रेस किया जा सके अवेयरनेस को। इसके अलावा फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट UNDP के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जो हेल्प करती है कंट्रीज़ की एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि उन्मूलन करने के लिए, समाप्त करने के लिए पॉवर्टी को, और अचीव करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को और ह्यूमन डेवलपमेंट को। UNDP की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू विच कमीशन हायर एजुकेशन शुड हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 6% ऑफ GDP, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किस आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% मिलना चाहिए। इनमें से वो था ऑप्शन सी, द एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966। इस कमीशन के अनुसार क्या है, यानी कि एज पर दिस कमीशन हायर एजुकेशन को मिलना चाहिए एटलीस्ट जो है 6% किसका, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इन शॉर्ट GDP का। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर द एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966, इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कोठारी कमीशन को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओवरहॉल करने के लिए इंडियन एजुकेशन सेक्टर को, यानी कि कोठारी आयोग को भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस की गई थी कोठारी कमीशन द्वारा, इसे सबमिट कब किया गया, 29 जून 1966 को, और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद जो है कोठारी कमीशन एक एडहॉक कमीशन था, यानी कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया कमीशन था जिसे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसका गठन किया गया था नेक्स्ट पॉइंट में 14 जुलाई 1964 को। इसके बाद जो है 29 जून 1966 को कोठारी कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि इसे भंग कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कोठारी कमीशन का गठन किया गया था किसके अंडर, यानी कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, दौलत सिंह कोठारी, इन शॉर्ट DS कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर, जो कि उस टाइम चेयरमैन थे किसके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, इन शॉर्ट UGC के। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहला ऐसा कमीशन था जो अनिवार्य था, जो पूरी तरह से डील करता था किसके साथ, एजुकेशन सेक्टर के साथ इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, कोठारी कमीशन का कोर ग्रुप था 20 मेंबर्स का, यानी कि 20 मेंबर्स का कोठारी कमीशन का कोर ग्रुप था,
इसके बाद जो रिपोर्ट थी उसे सबमिट किया गया था कोठारी कमीशन द्वारा कब, 29 जून 1966 को एमसी चगल को, जो कि उस टाइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोठारी कमीशन का एम क्या था, प्रोवाइड करना सबसे पहले पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस किसके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए इंडिया में, यानी कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश प्रदान करना, ये पहला एम था किसका, कोठारी कमीशन का। इसके बाद एग्जामिन करना हर एक आस्पेक्ट को इंडियन एजुकेशन सेक्टर के, यानी कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना। नेक्स्ट एम था कोठारी कमीशन को जहां पर इस्टेब्लिश किया गया था, रिव्यू करने के लिए एंटायर एजुकेशन सेक्टर को, यानी कि पूरे एजुकेशन सेक्टर को, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट डोमेन्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था, और वो कौन से थे, एक तो लीगल एजुकेशन और दूसरा मेडिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, कोठारी कमीशन ने 23 रिकमेंडेशंस दिए थे रिवैम्प करने के लिए, यानी कि रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, और ये 23 रिकमेंडेशंस में से कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि उन 23 सिफारिशों में से जो कोठारी कमीशन द्वारा की गई थी उनमें से कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक को लेकर, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को लेकर रिकमेंडेशन की गई थी, एजुकेशन ऑफ वुमेन 3 लैंग्वेज फार्मूला, एजुकेशन ऑन मॉरल्स एंड रिलीजन, हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा, ये उन 23 रिकमेंडेशंस में से सिफारिशें हैं जो कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस हैं, यानी कि महत्वपूर्ण सिफारिशें कोठारी कमीशन 1964 to 1966 की, सबसे पहले तो प्रोविजन किसके लिए, यानी कि प्रावधान किसके लिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए रिकमेंड किया गया था कि प्रोवाइड करना है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन किस एज की बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के एज के बच्चों के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी लैंग्वेजेस को लेकर, जहां पर इस आयोग ने रिकमेंड किया कि अडॉप्ट किया जाना चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला स्टेट लेवल्स पर। इसके बाद जहां पर इसका उद्देश्य क्या था कि प्रमोट करना है लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज को, साउथ स्टेट्स की लैंग्वेज को, कहाँ पर, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। इसके बाद इसका एम था प्रमोट करना हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को, यानी कि क्षेत्रीय भाषा को, कहाँ पर, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर। इसके बाद कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि प्रमोट किया जाना चाहिए क्षेत्रीय भाषाओं का, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस का, संस्कृत का, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का, जैसे कि इंग्लिश का, तो इन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये रिकमेंड किया गया था कोठारी आयोग द्वारा। इसके बाद प्रमोट करना सोशल जस्टिस को, ये भी रिकमेंडेशन की गई थी कोठारी आयोग द्वारा। देन इसके बाद जो है कोठारी कमीशन ने फोकस किया गर्ल्स एजुकेशन पर, साथ ही साथ किनकी एजुकेशन पर, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी एजुकेशन पर, ट्राइबल पीपल यानी कि जनजातीय लोगों की शिक्षा पर, फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एजुकेशन पर भी फोकस किया जाए। किसके अकॉर्डिंग था ये, कोठारी कमीशन के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोठारी आयोग के अनुसार जो है साइंस और मैथ इंटेग्रल पार्ट हैं किसका, किसी भी नेशन की ग्रोथ का, यानी कि किसी भी राष्ट्र की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ्स और साइंस। जहां पर कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया कि मैथ और साइंस को इंटेग्रल पार्ट बनाना चाहिए एजुकेशन का, यानी कि मैथ्स और साइंस को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने की सिफारिश की, किसने, कोठारी आयोग ने। इसके बाद इस कमीशन ने रेकमेंड किए रिफॉर्म्स यानी कि सुधार इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहां पर स्पेशल अटेंशन देना था पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिसर्च पर, ट्रेनिंग और प्रोवाइड करना था एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज और फंड्स को भी। इसके बाद रिजल्ट्स क्या रहे, यानी कि नतीजा क्या रहा कोठारी आयोग का, नेशनल लेवल पर एजुकेशन सिस्टम में 10+2+3 के पैटर्न को फॉलो किया गया, जिसे रेकमेंड किया गया था कोठारी कमीशन द्वारा। जहाँ पर फ्रेंड्स 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब ये है कि मैट्रिकुलेशन के बाद +2 और +2 के बाद 3 साल कॉलेज टेन्योर के, यानी कि कॉलेज के टाइम पीरियड के, जहाँ पर ये कॉलेज टेन्योर जो है किसी भी स्ट्रीम से पूरी की जा सकती है, जैसे कि कोई भी डिग्री और डिप्लोमा ये हो सकता है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो कोठारी कमीशन द्वारा की गई थी, वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का जो बिल था वो पास किया गया था पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में, किसकी लीडरशिप के अंडर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं हमारी इंदिरा गांधी जी, उनकी लीडरशिप के अंडर। इसके बाद जो रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की वो थी कि एजुकेशन सेक्टर को इंडिया में स्ट्रेटिफाइड यानी कि डिवाइड किया जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए नेशनल बॉडीज, स्टेट बॉडीज और सेंट्रल बोर्ड में।
देन इसके बाद फ्रेंड्स कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि सेटअप किया जाएगा दो कमीशन्स को, एक तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 को रिपोर्ट करने के लिए, किसके स्टेटस पर, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टेटस पर, और साथ ही साथ दूसरा कमीशन कौन सा, मुदालियर कमीशन 1952 to 1953, और मुदालियर कमीशन किसके लिए था, डील करने के लिए था सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि सेटअप किया जाएगा इन दो कमीशन्स को, जहां पर फ्रेंड्स हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट CABE को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि सलाहकार निकाय है एडवाइस करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, और ये ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा में। इसके बाद है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये एक पॉलिसी मेकिंग एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। इसके बाद फ्रेंड्स इसे जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, इसे डिसॉल्व कर दिया गया 1923 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और इसे रिवाइव किया गया यानी कि पुनर्जीवित किया गया कब, 1935 में, और तब से जो है ये अब तक एग्जिस्टेंस में है। कौन सी बॉडी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स जो आइडिया है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ये सबसे पहले किसके द्वारा सामने रखा गया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 to 1919 द्वारा जो है सामने रखा गया था। कौन से आइडिया को, कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इसके बाद कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें CABE की, जहाँ पर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और वाइस चेयरमैन कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, किसका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। तो ये थी कंपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले रिव्यू करने के लिए प्रोग्रेस को, किसकी, एजुकेशन की, टाइम टू टाइम, तो ये कार्य था कैब का। इसके बाद एडवाइस करना, जो किससे रिलेटेड था, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड था, किनके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के बीच में, किसके लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो किससे जुड़े थे, एजुकेशन पॉलिसी से। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या था, कि प्रोवाइड करना था सजेशन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्री में, ताकि प्रिपेयर किया जा सके सिलेबस को। इसके बाद प्रोवाइड करना एक कॉमन प्लेटफॉर्म स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, ताकि वो शेयर कर सके अपने व्यूज़ को, किसके बारे में, इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइस करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, किसके रिगार्डिंग, किसी भी प्रकार के एजुकेशनल क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है एडवाइस करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, ये भी फंक्शन था किसका, कैप का। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जहाँ पर 2018 की अगर हम बात करें तो 65th मीटिंग थी किसकी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की, इन शॉर्ट कैप की, जो कि किसके अंडर हुई थी, यानी कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, जो हमारे फॉर्मर यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके अंडर जो है कहां पर हुई थी, न्यू दिल्ली में, और ये 65वीं मीटिंग थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की, और कब हुई थी, 2018 में, जहाँ पर फ्रेंड्स रेजोल्यूशन को अपनाया गया था इस मीटिंग में कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया जाएगा सभी स्कूलों में अगले 5 सालों में। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से भी बनता है कि विच सब कमेटी ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन। तो गर्ल्स एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो सब कमेटी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की, काद्यम श्रीहरि कमेटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन की गई थी उसके अनुसार जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 है उसे फॉर्मुलेट किया गया था, यानी कि उसका गठन किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिया में, वो था हंटर कमीशन, जिसे सेटअप किया गया था 3 फरवरी को 1882 में, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, सर विलियम हंटर की चेयरमैनशिप के अंडर, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय थे। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल मेंबर्स ऑफ कोठारी कमीशन, तो वो थे 17। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन इन देयर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी टू एक्सेलरेट द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे रेकमेंड किया गया था कोठारी कमीशन द्वारा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आज के इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन को सजेस्ट किया गया था कोठारी कमीशन द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा, जहां पर आप चैनल पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको हर एक मंथ के एंड में वीडियो के MCQs की PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।